दोस्तों लगातार 8 हार के बाद रातों रात रविंद्र जडेजा से छीनी सीएसके की कप्तानी, एक बार फिर धोनी बने सीएसके के कप्तान। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके टीम के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद सीएसके के नए कप्तान रविंद्र जडेजा ने 20 सीजन में कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 8 मैचों में 6 हार झेलने के बाद धोनी को वापस कप्तानी सौंपने का फैसला किया है। चेन्नई सुपर किंग ने शनिवार को इसका ऐलान किया। जडेजा अपने खेल पर ध्यान देना चाहते थे। सीएसके की प्रेस लीक के अनुसार रविंद्र जडेजा ने अपने खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है और ऐसे में एमएस धोनी व सीएसके का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है। एमएस धोनी ने बड़े हित में सीएसके का नेतृत्व करने और जडेजा को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना स्वीकार किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने सीजन 15 के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही कप्तानी का पद छोड़ने का ऐलान किया था। उनके जगह रविंद्र जडेजा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों जडेजा की कप्तानी में टीम को 8 में से 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सीएसके को पहली जीत आरसीबी के खिलाफ मिली तो वहीं दूसरा मैच उन्होंने मुंबई इंडियंस को हरा कर जीता। मौजूदा पॉइंट्स टेबल में सीएसके 9 पायदान पर है। चेन्नई इस सीजन में अपना 9वां मैच रविवार को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेलेगी और ऐसे में सीएसके खराब फॉर्म के अलावा जडेजा ने भी टूर्नामेंट में संघर्ष किया है। उन्होंने 52 गेंदों में 121.7 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 112 रन बनाए जबकि 8 पारियों में 8.19 की इकोनॉमिक रेट से 5 विकेट लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके का कप्तान फिर से बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत